नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। अचानक से बिहार का सियासी पारा तब और चढ़ गया जब तेजस्वी यादव ने रातों रात फोन करके आरजेडी के पदाधिकारी और अन्य लोगों को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया। अब इस तत्काल बैठक को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बताया ये जा रहा है कि बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक परिदृश्य में आरजेडी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की थी। ये सूची तेजस्वी यादव के अनुरूप थी। उन्होंने अपने हिसाब से सीटों का सामंजस्य, समीकरण और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए, जैसा कि बताया गया था, कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी। अब यह जिलाध्यक्ष पूरी तरह से कार्य करने लगे हैं। कमेटी का गठन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद फोन करके जिस तरह से लोगों को तत्काल बुलाया गया है, उसे लेकर के अब सियासी चर्चा काफी तेज हो गई है। आज ही वो बैठक है और बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर जिस तरह के राजनीतिक सिनेरियो चेंज हो रहे हैं लगातार बिहार में, उसे देख करके कुछ भी हो सकता है यह अंदेशा लगाया जा रहा है। अब कुछ भी में क्या हो सकता है, इसको लेकर के कयास के बाजार गर्म हो गए हैं। राजनीतिक हलके में जबरदस्त चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि आखिर इसके पीछे किस तरह की रणनीति हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के टारगेट पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने लगातार हमले शुरू कर दिए और हमलों का जो तेवर है वो काफी तल्ख हो गया है। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए ये कहा था कि वो दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण कर किए थे और अनावरण के बाद उन्हें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गोद में बताया गया था। वहीं तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिख करके भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने तब सीए एनपीआर एनआरसी पर केंद्र समर्थन किया था, अब वो पूरी तरह से बिहार को भाजपा के हाथों सौंप दिए हैं। हालांकि ये प्रक्रिया तो उन्होंने तब शुरू कर दी थी जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को मिले वोटों को दरकिनार करते हुए सीधे तौर पे एनडीए के हाथ में, जिसे बिहार की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उसे सत्ता सौंप दिया था। अब आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमला किया है, वो हमला काफ़ी प्रभावशाली माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरह के परिणाम आए, उस परिणाम को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी और विपक्ष काफ़ी उत्साहित है। अब इस उत्साह को कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं विपक्ष। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव आज की बैठक के बाद क्या कुछ लेकर के आते हैं और बैठक के बाद किस तरह का माहौल बनता है बिहार में राजनीतिक दृष्टि से। इस बीच में कई तरह के जो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें कितना दम है ये तो तब पता चलेगा जब बैठक से बाहर निकल करके लोग आएंगे। लेकिन अचानक से बुलाए गए इस बैठक में बताया ये जा रहा है कि आगे की रणनीति और संगठन के पदाधिकारियों का भीतर ही भीतर चयन हो गया है और उन्हें बुलाया गया है जो चयनित हैं, यानी कि कमेटी में जिन लोगों को स्थान दिया गया है उन्हें बुलाया गया है। और ये गुप्त बैठक उसी रणनीति का एक हिस्सा है जो आगे बिहार में नीतीश कुमार को टक्कर देगी। क्या रणनीति होगी, किस तरह से बैठक के बाहर बातें निकल कर आती है या फिर उन बातों को उन्हीं लोगों तक सीमित कर दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पर इतना तो निश्चित है कि आज एक नए दौर से गुजर रही है जो बदलाव का दौर है और इस बदलाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसके क्या परिणाम होंगे वो तो चुनाव में पता चलेगा, पर जिस तरह से लगातार आरजेडी अपने नीति और पुराने ढर्रे को बदल रही है, उससे इतना तो लगता है कि वो नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। देखना होगा, हमारी नज़र पूरी तरह से है कि इस मीटिंग से क्या निकल करके आता है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और आप देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।